को बड़ो को कैसे आप सब लोग सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में बैरागी राइडर्स। तो पीछे अपने गप्पू आप लोग देख रहे हैं और अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ मंदिर और आज हम आपको दिखाएंगे कि मंदिर का कितना काम हो चुका है। स्टार्टिंग डे से ही काम चल रहा है। पीछे गप्पू का आपको दिखा देते हैं। अपने गप्पू की स्थापना हो चुकी है और 11 दिन तक है, 9 तारीख को इनको विसर्जन होगा। तो चलो आपको घर थोड़े से गप्पू के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद निकलते सीधा आपको सीधा बाइक पे मिलूंगा मैं मोटर व्लॉगिंग करते हुए। जय श्री राम। ये देखो अपने गप्पू बैठे हैं, ये देखो अपने गप्पू बैठे हैं यहाँ पे, बिल्कुल अपना पंडाल सजा कर बैठे हैं गप्पू और नीचे छोटे वाले गप्पू पगड़ी बांध के और धूप पहन के बैठे इधर कालकमा। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को फिर किसी सीधा बाइक पे। भाई हम लोग आ चुके हैं मोटो राइड पे। तो फाइनली मैं दरबार पहुंच चुका हूं और पूजा वूजा मैंने कर दी है सब। तो बहुत देर हो गई मेरे को आए को, तो पहले मैंने सोचा कि पूजा ही कर लेते हैं फिर बाद में लास्ट में वीडियो बनाएंगे आराम से तसल्ली से। तो पीछे मंदिर देख ही रहे हैं, ये निर्माण हो गया और अब मैं अच्छे से तसल्ली से सारा अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। वो दीपक भाई बैठे ये रहे दीपक भाई। तो चलो दिखाता हूँ आपको अंदर से। जय श्री राम। देखो ये एंट्रेंस हो गई और ये बन गया मंदिर जो कह रहे ना कहाँ से कहाँ तक है। ये है देखो ये एंट्रेंस पूरी की पूरी और ये नीचे फ्रंट जहाँ पे माँ काल का विराजमान होगी अपनी गद्दी सजा के। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ मंदिर से, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा तो मंदिर का निर्माण कहाँ तक हो चुका है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ तो ये रोड है छतरपुर, मैं महिपालपुर वाला जो रोड है वो है दिखाएगा। तो चलो रात का अपने वाले और ये टाइम उसका ट्रैफिक का क्योंकि छः बजे का मतलब है कि ऑल ट्रैफिक। तो आप लोगों को शीशे के अंदर लाइट कैसी लग रही है, कैसी लगे जरा पता है। तो ये नई मॉडिफिकेशन मैंने अभी कराई है और शीशे के बैक पे भी बैक साइड में भी वो है लाइट और इस तरफ की लाइट है और रात में और अच्छी लगेगी। रात में आप लोगों को जा रहे हम फोकस करते हैं लाइट पे। ये मेरे को लगता है बस बहुत देर से परेशान कर रहे हैं, ना इधर जान दे रही ना इधर जान दे रही। देखो पूरा रास्ता गया रकम बस वालों ने भाई साहब, पूरा इधर भी पीछे तो रहता कच्चा रास्ता था तो इन लोगों ने क्या कर रखा था पूरा रास्ता ही घेर रखा था। कभी इधर चलते कभी चलते एक लाइन में इनको चलना ही नहीं है। कभी इधर कभी उधर परेशान करके रख दिया इन्होंने भाई। बस वाले तो बस वाले ही है। ट्रैफिक आई डोंट लाइक ट्रैफिक बट ट्रैफिक लाइक मी। तो गाइज मैं जो ये अपना रोड आता है इसको कहते हैं वैसे तो जो कनेक्टिविटी जो है पालम द्वारका और इधर नजरगढ़ की तरफ जाता है ये रोड और ये कनेक्ट होता है आउट निकलता है ये जो कि हाईवे से लेफ्ट होके निकलता है रोड। पिछले 20 मिनट से ट्रैफिक चल रहा है भाई साहब और ये ट्रैफिक वही है जो हमने लास्ट दिखाया था वहीं से लेके अब ये पालम वाला फ्लेवर और आ चुका है। तो यहाँ पर भी लंबा ट्रैफिक वहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैफिक देख लो और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रहा। अभी देखो खड़े होकर दिखाता हूँ थोड़ा सी चलेगा ना तो थोड़ा सा बाइक पर खड़ा हूँ तो दिखाऊँगा।
पहुंच चुका हूँ घर पर और ट्रैफिक यार बहुत दिमाग खराब बोल दिया ट्रैफिक ने तो। चलो मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ में और टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ में। जय श्री राम, हर हर महादेव। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।